हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पीएनबी के एटीएम से पैसे कैसे निकाला जाता है। पीएनबी एटीएम से पैसे निकालने के लिए आप किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए कैश विड्रॉल का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड को इस जगह मशीन में इंसर्ट करें। इस जगह ध्यान रखें कि डेबिट कार्ड का चिप वाला भाग ऊपर की तरफ हो। कार्ड इंसर्ट करते ही मशीन कार्ड को रीड करना स्टार्ट कर देता है और स्क्रीन पर प्लीज वेट का एक मैसेज शो होता है। कार्ड रीड होने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कई सारे ऑप्शन शो होते हैं। तो इस जगह बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। बैंकिंग पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें हमें लैंग्वेज चूज करने को कहा जाता है। तो इस जगह मैं इंग्लिश चूज कर रहा हूँ। लैंग्वेज चूज करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कई सारे ऑप्शन शो होते हैं। तो इस जगह कैश विड्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कैश विड्रॉल पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने ट्रांजैक्शन का रिसीट लेना चाहते हैं। यदि आप रिसीट लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें, वरना नो पर क्लिक करें। मैं रिसीट लेना चाहता हूं, इसलिए मैं यस कर रहा हूं। यस करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें अमाउंट एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप जितना अमाउंट निकालना चाहते हैं उस अमाउंट को एंटर करें। दोस्तों, इस जगह एक चीज बताना चाहूंगा, यदि आप पीएनबी के एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए पीएनबी के डेबिट कार्ड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप एक बार में 20,000 तक का अमाउंट निकाल सकते हैं। और यदि आप पीएनबी के एटीएम से पैसे निकालने के लिए किसी अन्य बैंक के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप मैक्सिमम एक बार में 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। तो इस जगह आप जितना अमाउंट निकालना चाहते हैं उसे एंटर करें। इस जगह एक चीज और शो हो रही होगी, अवेलेबल डिनोमिनेशन 500। इसका मतलब यह है कि इस एटीएम में सिर्फ 500 के नोट के मल्टीपल ही अवेलेबल है। यदि आपके नजदीकी एटीएम में 100-200 का नोट भी अवेलेबल हो तो इस जगह वे नोट भी शो होंगे। इस जगह अमाउंट एंटर करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। प्रोसीड पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें हमें अपने डेबिट कार्ड के 4 अंकों का पिन एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपने डेबिट कार्ड के 4 अंकों का पिन एंटर करें। पिन एंटर करने के बाद प्रेस हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही ट्रांजेक्शन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रांजेक्शन प्रोसेस होने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें पूछा जा रहा है कि आप डिनोमिनेशन सिलेक्ट करना चाहते हैं। इस जगह आप यस या नो दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इस इंटरफेस का मतलब यह होता है कि यदि आपके एटीएम में एक से अधिक तरह के नोट अवेलेबल हैं, अर्थात आपके एटीएम में 500, 200, 100 के नोट भी अवेलेबल हैं, तब आप यस पर क्लिक करके अपने पसंद का नोट सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कोई सा भी नोट बाहर आ जाए तो आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इस जगह यस करके दिखा देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो जाए कि डिनोमिनेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो इस जगह यस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें 500 शो हो रहा होगा। यदि आपके एटीएम में 200 और 100 के नोट भी अवेलेबल हों तो इस जगह नीचे 200 और 100 के ऑप्शन भी शो होंगे। तो आप इस जगह अपने पसंद का नोट सेलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि इस एटीएम में सिर्फ 500 के मल्टीपल नोट ही अवेलेबल हैं तो मैं इसे ही चूज कर रहा हूं। 500 पर क्लिक करते ही ट्रांजेक्शन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद कैश नीचे इस जगह से बाहर निकलता है, तो कैश को जल्द से जल्द बाहर निकाल लें। साथ ही आपके ट्रांजैक्शन का रिसीट भी बाहर आ जाता है, तो आप रिसीट भी निकाल लें। अब आप अपने डेबिट कार्ड को बाहर निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड बाहर निकालने के बाद आप कैंसिल वाले बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पीएनबी के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ मदद मिली होगी। आपका कुछ और भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें।